हे गाइस, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में कि भाई 2000 रुपये में आने वाले कोई ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स बताओ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन, जिनका नाम है एयरबेस फ्री पॉड्स और इनका प्राइस है 1800 रुपीज़। तो आज जो है मैं इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो पे हम लेके चलते हैं 820 लाइक का टारगेट। नीचे लाइक का बटन है, इसको प्रेस जरूर कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ में यहाँ पे वारंटी कार्ड भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हमें TWS देखने को मिल जाते हैं, जो रैप्ड एक पॉलिथिन में, इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद कुछ एसेसरीज हमें मिल जाती है, अलग से बॉक्स दिया गया है। तो इसके अंदर जो है हमें टाइप सी की केबल मिल जाती है व्हाइट कलर की, उसी के साथ में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं अलग अलग ईयर साइज के लिए। यही सब आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम चार्जिंग केस को देखोगे, और अगर आप लोगों ने एप्पल एयरपॉड्स प्रो को देख रखा है, तो भाई बिल्कुल सिमिलर डिजाइन जो है बोल्ट ऑडियो केस TWS ईयरफोन की मिल जाती है। मुझे इससे कोई पर्सनली इशू नहीं है, क्योंकि डिजाइन इंस्पायर ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है कि भाई जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। हंसी मुझे इस बात की आई कि जो इसके अंदर का ईयरबड्स है, उसकी भी जो है एक तरीके से डिजाइन पूरी तरीके से एप्पल एयरपॉड्स प्रो की ही तरह ली गई है। अब अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो प्लास्टिक की क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे बढ़िया लगी है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा जो अंदर जो ईयरबड्स लगे हुए हैं अंदर फिट नहीं हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को साउंड सुना दूं, तो कुछ इस तरीके के साउंड आपको आ जाता है, यानी कि कुछ अंदर जो है हिल रहा है, ऐसी आवाज़ जो है आपको आ जाती है। लेकिन ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे चार्जिंग केस की इसमें काफ़ी अच्छी लगी है। नीचे आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, और रेड कलर की LED लाइट ब्लिंक होती हुई मिल जाएगी, जो इंडिकेट करेगी कि भाई ये चार्ज हो रहा है या कनेक्टेड है। उसी के साथ में एक जो इशू मुझे फील हुआ है वो है इसके हिंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिंज की क्वालिटी मुझे इतनी बेटर नहीं लगी है और अच्छी हो सकती थी। इसको आपको थोड़ा सा केयरली जो है यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं करूंगा। जैसे इसको आप ओपन करोगे, तो आपको जो है यहां पे ईयरफोन्स या फिर कह लो ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे। ईयरबड्स का जो ओवरऑल वेट है और साइज है वो काफी टाइनी है, क्योंकि एयरपॉड्स प्रो की तरह ही जो इसको बनाया गया है, और मुझे पर्सनली जो है काफी पसंद आया है। क्योंकि जब इन ईयरफोन्स को आप अपने कान में पहन के रखते हो, तो आपको जो है बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बल्कि सा फील हो रहा है, क्योंकि इस प्राइस में बाकी ईयरफोन्स भी मैंने देख रखे हैं, तो वहां पे काफी बल्कि फील होता है, लेकिन इनको पहनने के बाद आपको ऐसा जो है बल्कि फील नहीं होगा। ईयरबड्स में नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर की जो है कोटिंग देखने को मिल जाएगी, प्लास्टिक की है। वहीं पर आपको जो है माइक देखने को मिल जाएंगे इसी में, और टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। टच कंट्रोल्स जो है आपको दोनों ही ईयरबड्स में नीचे साइड देखने को मिलेंगे। ईयर टिप्स की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है, इसमें अलग अलग साइज भी आता है, तो आप अपने ईयर के होल के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। तो अब अगर इनके फीचर्स के बारे में बात करें, तो गाइस 1800 रुपीज के हिसाब से इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नंबर वन, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, उसी के साथ में ये 9mm के ड्राइवर को सपोर्ट करता है, और इसमें जो साउंड कोडिंग दी गई है वो AA की दी गई है, और उसी के साथ में ये IPX वाटरप्रूफिंग के साथ में आता है। तो अगर आप जो है जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और आपको स्वेट वगैरह आता है, तो ये आराम से जो है उस चीज को झेल जाएगा। और उसी के साथ में अगर आप बाहर जाते हैं और रेन वगैरह हो रही है, तब भी जो है इसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये IPX5 सर्टिफाइड है। वहीं इन ईयरबड्स को आप मोनो ईयरबड्स की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि आप सिर्फ एक यूज करो, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपको सेपरेट माइक देखने को मिल जाते हैं। ये चीज मुझे काफी कमाल की लगी है इस प्राइस रेंज में। और वही कनेक्टिविटी की बात करूं गाइस, तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप इन ईयरबड्स को बाहर निकालोगे, तो आपको अपने फोन में जाना, और वहां पे क्लियरली आपको बोल्ट ऑडियो का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली टैप करके कनेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी कनेक्ट करोगे, तो आपको सिंपली बॉक्स से जो है ईयरबड्स को बाहर निकालना है, और ऑटोमेटिकली आपके पेयर डिवाइस से जो है कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्टिविटी में जो है मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि कनेक्शन जो है स्पीड काफी ले रहा है या लेट ले रहा है, बिल्कुल एवरेज सी स्पीड है, लाइक 4 से 5 सेकंड जो है ये लेता है कनेक्ट होने में। और इसी के साथ में इसमें आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, यानी कि जब इन ईयरबड्स को आप यूज करते हो और म्यूजिक
वगैरह सुनते हो तो बैकग्राउंड में जो भी नॉइस हो रही है तो वो जो है एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इतनी कोई ज्यादा जो है आप उम्मीद मत करना कि भाई ANC की तरह कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं है। पैसिव है, थोड़ी बहुत जो है नॉइस कैंसिल कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं साउंड सिग्नेचर की। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डबल AC की कोडिंग आपको मिल जाती है और ये 9mm के डायनेमिक ड्राइवर को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका साउंड के लिए जो है एक तरीके से एक एवरेज सा थॉट्स आया है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बेस जो आपको मिल रहा है वो मुझे इतना कोई ज्यादा पसंद नहीं आया। पंची वाला बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। थोड़ा सा आपको बेस में एको फील जो है हो जाएगा, लेकिन भाई इसमें ट्रिबल की क्वालिटी मुझे ऑन पॉइंट लगी है। काफी जबरदस्त जो है इसमें आपको ट्रिबल मिल जाते हैं और लाउडनेस भी जो है मुझे ओवरऑल काफी पसंद आई है। तो अगर आप ऐसे यूजर हैं जो लाउडनेस जो है काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो इन ईयरबड्स को जो है आप जब आप म्यूजिक सुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई सीरीज वगैरह देख रहे हो तब भी आपको इसमें ऐसी कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतनी कोई ज्यादा बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आप लोग अगर बेस काफी ज्यादा सुनना पसंद करते हो तब जो है आपको इसमें इतने ज्यादा पसंद नहीं आएंगे। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इन ईयरबड्स को मैं जो हूं 70-80% में जो है म्यूजिक में सुनता हूं और उस हिसाब से मुझे इसकी साउंड क्वालिटी जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे देती है। तो गाइस अभी आप जो साउंड सुन रहे हो वो डायरेक्टली इन ईयरफोन के माइक के थ्रू भी आ रहा है। मैंने अपने दूसरे नंबर पे कॉल कर दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसी कॉल क्वालिटी आपको मिल जाती है। ऑनेस्टली बताऊं तो कॉल क्वालिटी अच्छी है। इस प्राइस रेंज में जो है आपको काफी अच्छा कैंसिलेशन भी मिल जाता है। पीछे बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है लेकिन आपको इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, तो कैंसिलेशन वगैरह ठीक ठाक है और आप इसको जनरली कॉलिंग के लिए या फिर जूम मीटिंग गूगल मीट के लिए भी यूज कर सकते हो। और मैं अभी आउटडोर पे हूँ, काफी धूप हो रखी है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसी क्या इसको है, आपको जो है कॉल क्वालिटी मिल जाती है। गाइज ये है वीडियो लेटेंसी टेस्ट। यहाँ पे जो है मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि भाई ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह कैसे है। अभी आप जो साउंड सुन रहे हो वो डायरेक्टली ईयरबड्स के थ्रू ही सुन रहे हो, उसको जो है मैंने अपने माइक पे अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्लैप करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने 3 बार क्लैप किया है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन कैसा है, कि अगर क्लैप के बाद साउंड आ रहा है तो मतलब अच्छा नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपना ओपिनियन दूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यूट्यूब वीडियोस मूवीज वगैरह के लिए मैं इन ईयरबड्स को ही जो है यूज कर रहा हूं। सरप्राइजिंगली मुझे इसकी गेमिंग लेटेंसी अच्छी लगी है। मैं परफेक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, इन ईयरफोन्स को पहन के आप गेमिंग कर सकते हो, मुझे इतना मेजर इशू जो है फील नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं टच कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे आपको मल्टी टच ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो अगर आपको म्यूजिक को जो है स्किप करना है, नेक्स्ट म्यूजिक प्ले करना है, तो आपको राइट साइड के ईयरबड्स को जो है प्रेस करके रखना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप जो है म्यूजिक को चेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस म्यूजिक सुनना है तो आपको लेफ्ट वाले को जो है होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको जो है प्ले पॉज करना है तो जो है आपको डबल बार टैप करके रखना पड़ेगा तो आपका म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा। ये दोनों ही ईयरबड्स के साथ जो है आप कर सकते हो। और अगर आपको जो है गूगल असिस्टेंट या सिरी को कंट्रोल करना है या फिर इनेबल करना है तो आपको जो है यहां पे ट्रिपल बार टैप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपका जो असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाएगा। और लेट्स सपोज कि अगर कॉल वगैरह आ रहा है तो आप सिंपली जो है टैप करके जो है कॉल को रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ में एक जो मुझे इसमें अच्छी चीज लगी है वो ये कि यहां पे आपको टच कंट्रोल के लिए अलग से साउंड जो है आपको फील होगा। जब भी आप टच कंट्रोल करोगे तो यहां पे टैप की जो है आपको आवाज आ जाएगी, जिसके थ्रू आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई टच जो है वो हो चुके हैं। अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्स आप लोगों को दे दूं तो 1800 रुपीस में ये TWS काफी अच्छे फीचर्स दे रहा है जो आपको बाकी TWS में नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आपका बजट 2000 रुपीस है तो इन ईयरफोन्स को आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि काफी लाइट वेट और काफी पावर पैक फीचर्स के साथ में ये ईयरफोन्स आ जाते हैं। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हो तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप उस लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आपकी तरफ से काफी सपोर्ट मिलने वाला है हमारे चैनल पे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाना, क्योंकि आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस आप लोगों को चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।